तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। जिस किसी ने भी इस अनिम के पहले के एपिसोड नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप देख लेना। और आज हम इस अनिम का 14th एपिसोड देखेंगे, तो चलिए बिना देरी करे और शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत हम इस अप्सरा और जियांग को देखते हैं। अप्सरा जियांग से पूछने लगती है कि उस ओल्ड लेडी ने तुमसे क्या कहा था। फिर जियांग इस अप्सरा से कहता है कि मैं अब कभी भी युआन के फैमिली में इंटरफेयर नहीं करूंगा। तभी फिर अप्सरा कहती है कि आखिरकार हुआ क्या है, मुझे पूरी बात बताओ। इसके बाद फिर जियांग इस अप्सरा को पूरी बात बताने लगता है। जियांग बताता है कि युआन की मॉम ने एक आर्मी ऑफिसर से शादी की थी, तभी इनकी शादी वाले दिन ही सभी आर्मी ऑफिसर की छुट्टी रद्द कर दी जाती है और उनको बॉर्डर पर बुलाया जाता है। तभी युआन के रियल डैड जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे, वो अपनी देश की रक्षा करने के लिए अपनी वाइफ को छोड़कर बॉर्डर पर लड़ाई करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद फिर युआन की मॉम अपने हस्बैंड का बहुत दिनों से इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आते। इसके बाद फिर युआन की मॉम को न्यूज मिलती है कि उनके हस्बैंड देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। जियांग बताता है कि उस टाइम युआन की मॉम प्रेग्नेंट भी होती हैं। तभी फिर युआन की मॉम डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चे को पिता की कमी नहीं होने देंगी, इसलिए वो ली नाम के आदमी से दूसरी शादी कर लेती हैं। तभी से फिर ये दोनों एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस पर फिर अप्सरा जियांग से पूछती है कि ली ने युआन की मॉम से अपनी खुशी से शादी की थी, लेकिन फिर उन्होंने बाद में तलाक क्यों दे दिया उनको। इस पर फिर जियांग कहता है कि हर कोई उस तरह के प्यार को नहीं समझ पाता है। जियांग बताता है कि लीन जिन्होंने युआन की मॉम से शादी की थी, उनके पेरेंट्स इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लीन की शादी की बात पता लगने पर उनके पेरेंट्स को बहुत बड़ा सदमा लगा था, इसलिए फिर उन्होंने लीन को घर पर आने से मना कर दिया था और लीन को कहीं और रहने को कहा था। तभी फिर कुछ दिन युआन की मॉम के पास रहने के बाद लीन को पता चलता है कि उनके मॉम डैड की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फिर लीन युआन की मॉम से कहने लगते हैं कि अब हमको अलग होना ही होगा, मेरे मॉम डैड बूढ़े हो रहे हैं, वो अब बहुत बीमार रहने लग गए, इसलिए मुझे उनके पास जाना ही होगा उनकी देखभाल करने के लिए। जियांग बताता है कि अपने मॉम डैड की देखभाल करने के लिए लीन ने युआन की मॉम को डिवोर्स दे दिया। फिर ये अप्सरा जियांग से कहती है कि आखिरकार लीन युआन के सौतेले डैड है, तो वो कभी कभी तो युआन से मिलने आ सकते हैं ना, वो आते क्यों नहीं। तभी फिर जियांग गुस्से में कहता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाए सब। फिर ये अप्सरा जियांग से कहती है कि अब तुम हार क्यों मान रहे हो, तुमने ये बात नोटिस की कि ली ने इतने टाइम से अपने पुराने फोन को अपने पास रखा है, इससे साबित होता है कि उनके दिल में अभी भी युआन और उसकी मॉम की चिंता है। तभी फिर जियांग गुस्से में होकर इस अप्सरा से कहता है कि क्या बकवास करे जा रही हो तुम, इसमें सबके सब गैर जिम्मेदार है, युआन के रियल डैड जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे, उनको पता था कि वो एक खतरनाक लाइन में है, फिर भी उन्होंने युआन की मॉम से शादी की और उनको प्रेग्नेंट किया। वहीं दूसरी तरफ लीन, जिन्होंने अपने पेरेंट्स से बिना पूछे युआन की मॉम से शादी कर ली, अगर वो अपने पेरेंट्स से पहले ही पूछ लेते तो आज बात डिवोर्स तक ना पहुंचती। उन्होंने पहले युआन की मॉम और युआन को इतना प्यार दिया, फिर आखिर में उनको छोड़कर चले गए। फिर ये अप्सरा जियांग से कहने लगते कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। जियांग कहता है कि बस अब मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं थक चुका हूँ, अब युआन और उसके फैमिली मैटर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता, अब मैं अपने ऊपर ही ध्यान दूंगा बस। तभी फिर ये अप्सरा जियांग के पास आ जाती है और उसको प्यार से समझाने लगती है। ये अप्सरा जियांग से कहती है कि क्या आर्मी ऑफिसर को शादी करना और बच्चे करने का कोई हक नहीं है, ये आर्मी ऑफिसर अपने देश की रक्षा के लिए कितने दिनों अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, हम सब चैन की नींद सो पाए इसके लिए आर्मी ऑफिसर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीन, जिन्होंने युआन की मॉम के मुश्किल टाइम में उनका बहुत साथ दिया और कितने सालों तक युआन और उसकी मॉम की देखभाल की, क्या यह सबूत नहीं है कि वो वास्तव में युआन और उनकी मॉम से कितना प्यार करते हैं। इस पर फिर जियांग इस अप्सरा पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि बस बहुत हो गया, अब मेरा पीछा करना बंद कर दो। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ जाता है। फिर जियांग की मॉम जियांग से कहने लगते कि हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाओ। इस पर फिर जियांग अपनी मॉम की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और गुस्से में होकर अपने रूम में जाने लगता है। तभी फिर जियांग के डैड जियांग से कहते हैं कि तुमने सुना नहीं तुम्हारी मॉम क्या कह रही है, आ जाओ खाना खा लो। तभी फिर जियांग अपने डैड से कहते हैं कि आज अचानक आप इतनी परवाह कैसे करने लग गए मेरी। ये कहते ही जियांग गुस्से में दरवाजा बंद कर अपने रूम में चला जाता है। इस पर फिर जियांग की मॉम अपने हस्बैंड से पूछने लगते है कि जियांग आज इतना गुस्से में क्यों लग रहा है। इस पर फिर जियांग के डैड कहते हैं कि कोई नहीं, अब वो बड़ा हो गया है, उसको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन खुद ही निकालना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होता है और सारी चीजें इधर उधर फेंक रहा होता है। तभी फिर जियांग देखता है कि उसने गुस्से में एक ग्रुप फोटो भी नीचे फेंक दी है, फिर वो उस ग्रुप फोटो को उठा लेता है। इस फोटो को देखने के बाद जियांग का गुस्सा शांत हो जाता है और उसको अपनी गलती का भी एहसास हो चुका होता है। जियांग कहता है कि मैं कितना गंदा हूँ, मुझे युआन की फैमिली के बारे में इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए था, और तो और मैंने उस अप्सरा से भी गुस्से में बात की, मुझे ऐसा नहीं करना
होना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ हम इस अप्सरा को देखते हैं जो कि जियांग की सारी बातें सुन रही होती है। तभी फिर अप्सरा जियांग के रूम में आ जाती है और उसको कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हारा गुस्सा शांत हो ही गया, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है आखिरी में। इस पर फिर जियांग इस अप्सरा पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम हमेशा पीछे से क्यों आती हो, हमेशा मुझे डरा देती हो, पीछे से आकर सामने से आया करो हमेशा। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम युआन के सुतेले डैड को देखते हैं जो कि जियांग से कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कह दिया तुम मुझे फोन करना बंद कर दो अब। तभी फिर जियांग कहता है कि मिस्टर लिन, मुझे आपका और आपकी वाइफ का सारा मैटर पता चल चुका है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको अपने मॉम डैड के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं, आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहिए, आप ऐसे इस प्रॉब्लम से पीछे नहीं हट सकते, आप प्लीज एक बार तो युआन से मिलने आ जाए, युआन आपको बहुत मिस करती है। जियांग लिन से कहता है कि इतने सालों से आपने ये पुराना फोन रखा है, क्या ये साबित नहीं होता कि आप युआन से बहुत प्यार करते हैं, युआन और उसकी मॉम बहुत मुश्किल से अपना घर का गुजारा कर रही है, उनको आपकी जरूरत है, प्लीज एक बार तो आ जाइए। वहीं दूसरी तरफ युआन के ये सौतेले डैड मिस्टर लिन कुछ भी नहीं बोलते और फोन काट देते हैं। इस पर फिर जियांग कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं बार बार उनको फोन करता रहूंगा, आखिरी में उन्हें मेरी बात सुननी होगी। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम टैंग और माई को एक साथ एक कॉफी शॉप में देखते हैं। हम देखते हैं कि टैंग इस कॉफी शॉप में वेटर की पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। तभी फिर माई टैंग से कहते हैं कि मुझे एक और कप कॉफी पीनी है, प्लीज एक बार ला दीजिए। इस पर फिर टैंग माई से कहते हैं कि तुम कितने कप कॉफी के पी चुकी हो, क्या हो गया तुम्हें, तुम इतने कप कॉफी के नहीं पी सकती, इसे तुम मर जाओगी। टैंग को इतना चलाता हुआ देखकर दूसरी वेटर टैंग से कहने लगती है कि तुम कस्टमर से ऐसे क्यों बात कर रही हो, उन्हें जो भी चाहिए उसे तुरंत ला के दो उन्हें। वहीं दूसरी तरफ हम माई को देखते हैं जो कि बहुत सैड होती है, माई मनी मन में सोच रही होती है कि जियांग मेरे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करता, पता नहीं वो किससे फोन पर लगा रहता है। तभी वहां पर टैंग आ जाती है और माई से कहने लगते है कि लो पी लो एक और कप कॉफी। तभी फिर टैंग का हाथ पकड़कर माई उससे कहते है कि मेरे डैड अगले हफ्ते कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, वो कहते हैं कि मैं तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं जो कि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। टैंग तुम तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो, तो प्लीज मुझे बताओ कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो इसमें। तभी फिर टैंग माई से कहते है कि ये तुम्हारा काउंसलिंग सेंटर नहीं है, यहाँ पर मेरा बॉस आ गया ना मेरे को जॉब से निकाल देगा, अगर तुम्हें और कुछ खाना पीना है तो बता देना मैं ले आऊंगी। इसके बाद फिर वहां से जाते हुए टैंग मनी मन में सोचने लगते है कि मुझे तो लगता है कि माई आज नशे में है क्योंकि उसने इतनी सारी कॉफी जो पी ली है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जो कि अभी भी युआन के सौतेले डैड को फोन मिला रहा होता है, लेकिन हर बार की तरह युआन के सौतेले डैड फोन को रिसीव नहीं कर रहे होते। तभी वहां पर ये अप्सरा आ जाती है और जियांग से कहने लगते है कि तुम उनको बार बार फोन मिला रहे हो लेकिन फिर भी उन्होंने तुमको ब्लॉक नहीं किया, इसका मतलब है कि उनको अभी भी युआन और उसकी मॉम की टेंशन है। इस पर फिर जियांग कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, ऐसा हो सकता है। जियांग इस अप्सरा से कहता है कि मेरी दो हफ्ते बाद गर्मियों की छुट्टियां हैं, ये टैंग माई और युआन ये तीनों लड़कियां तो मुझे परेशान कर रही हैं, और लड़कियां तो नहीं आएंगी ना मुझे परेशान करने, अब क्या ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर मैजिक चॉकलेट का असर खत्म हो चुका हो। इस पर फिर अप्सरा कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, वो लड़कियां आएंगी और तुम्हें परेशान भी करेंगी, देखते जाओ आगे आगे। ये सुनकर तो जियांग की पूरी तरह से फटके हाथ में आ जाती है और वो कहने लगता है कि क्या कह रही हो तुम, मुझे इन तीनों लड़कियों को संभालने में मौत आ रही है, मैं उनको संभालूंगा कैसे, मैं तो मर ही जाऊंगा फिर। तभी फिर ये अप्सरा भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और जियांग से कहने लगती है कि ये सब तो उस मैजिक चॉकलेट को खाने से पहले सोचना चाहिए था, भुखड़ इंसान। तभी फिर जियांग इस अप्सरा से कहता है कि अरे मुझे तो आज युआन के साथ कहीं जाना था बाहर, ठीक है मैं जा रहा हूँ अब। फिर अप्सरा कहने लगते है कि मैं वास्तव में तुम इंसानों को बिल्कुल भी नहीं समझ सकती, इंसानों का मूड कितनी जल्दी बदल जाता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जो कि युआन और उसके बच्चों के साथ में होता है। फिर जियांग इन बच्चों से कहने लगता है कि चलो कहीं पर चलते हैं, आज हम बहुत मस्ती करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब कहीं पर जाने के लिए रोड पार करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक ट्रक को देखते हैं जिसकी ब्रेक फेल हो चुकी होती है। तभी फिर रोड को पार करते हुए युआन सबसे आगे होती है और ये ट्रक युआन की तरफ तेजी से आने लगता है। तो इसी सस्पेंस के साथ कि युआन का इस ट्रक से एक्सीडेंट होता है या नहीं, हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, थैंक यू।